दोस्तों स्पेडा मैच जो कवर करने वाले एशियन मैन T20 का जो कि मैच खेला जाएगा बांग्लादेश ए और हांगकांग के बीच ये मैच खेला जाएगा, जो कि आप देखोगे तो सीरीज का फर्स्ट मैच है एशियन T20 अमेरिकन कप का। और दोनों ही टीम अच्छी है, बांग्लादेश ए की भी हमने काफ़ी सारे मैचेस कवर किए और हांगकांग की तो पूछो ही मत क्योंकि कितने सारे मैचेस कवर किए। तो इसे तो फर्स्ट मैच है दोनों टीम्स के लिए, तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लिमिट में ही करना, यानी कि ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देना, कोशिश करना कि एकदम लिमिट में इन्वेस्टमेंट करें। और ये मैचेस थोड़े से रिस्की जा सकते हैं लेकिन इतना भी नहीं, इसमें ऐसे मैचेस में ना कोशिश करना कि रैली वगैरह टारगेट करे। हालांकि स्मॉल लीग इन्वेस्टमेंट कर सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम कीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैच कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा, इसका दूसरा मैच भी हम लोग कवर करेंगे। इनफैक्ट आपको पता है कि डोमेस्टिक मैचेस का हर एक मैच कवर करते हैं, तो फाइनल टीम के लिए टेली आप चाहे ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर देते हैं। तो टेली आप चाहे उसे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप उस पर क्लिक कर लो, लिंक 100% काम करता है, जहाँ पे फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको सबसे पहले शेयर कर देते। तो टेलीग्राम चैट उसे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे विनिंग टीम और फाइनल टीम पहले आपको दे दिया जाता है, वो भी कंपेयर करें किसी से भी, तो तगड़े टीम और पहली टीम मिलता है। बस एक रिक्वेस्ट है कि फेक मत ज्वाइन करना, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करना क्योंकि पूरे टूर्नामेंट कवर करेंगे। एक बार ज्वाइन कर लोगे तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट डेटा वही सब कवर अप करेंगे। ये मैच ओमान में खेला जाएगा और लाइव देख सकते हो फैन कोर्ट पे और इनके वेबसाइट पे देख सकते हो लाइव, ठीक है। ये मैच ओमान, तो नाम सुनते ही एमरट मतलब ओमान में खेला जाएगा और ओमान का विकेट आपको पता ही है कि एक बैलेंस विकेट है। ओमान पे हम ना जाने कितने सारे मैचेस हम लोगों ने कवर किए टूर्नामेंट, ओमान के मैक्सिमम मैचेस इसी विकेट पे खेले गए हैं और साथ ही साथ CWC के मैचेस, हांगकांग के इतने सारे मैचेस इस विकेट पे खेले हैं। बांग्लादेश ए की हम बात करें तो इनकी टीम से अकबर अली ओपनिंग करेंगे, मोहम्मद नईम के साथ ओपनिंग करेंगे। मोहम्मद नईम को पता है टीम कितने अच्छे प्लेयर है लेकिन आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है। उसके अलावा हॉरिडे जो कि टीम से हरिडे और जो कि अच्छे प्लेयर टीम से, हरिडे टीम से एक ऐसा प्लेयर है जो कि पावर हिटर भी है और इनफॉर्म तो नहीं है बट ठीक है टीम से। पतवारी अवेलेबल है, शेफ हसन अवेलेबल है, मफ्यूचर अवेलेबल है, अबू हैदर अवेलेबल है, अली इस्लाम अवेलेबल है, रकीबुल हसन अवेलेबल है, रिपोन अवेलेबल है, मारूफ मिर्दा अवेलेबल है। तो ये है बांग्लादेश ए के लाइनअप्स। अगर हांगकांग की बात करें तो जिसन अली ओपनिंग करेगी टीम से, मार्टिन कोटेजी के साथ ओपनिंग करेंगे। वन डाउन बाबर याद, फोर नंबर निजकत खान, अंशुमन राठ, यासिन मुतुजा, अजीज खान, नसुल्ला राना, अली हसन, अंश खान, ईशान खान। तो ये इनका लाइनअप से आप देखोगे तो हांगकांग का, लेकिन इस लाइनअप से हो सकता है कि एक दो चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। दोनों टीम्स का लाइनअप आप देख लो, ठीक है, दोनों टीम का लाइनअप ध्यान से, अगर कोई चेंजेस हो तो टेलीएम पे मैं अपडेट कर दूँगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, मैं स्टैट्स वगैरह इसलिए नहीं देखता क्योंकि मैं लगातार मैचेस खेलता रहता हूँ, स्टैट्स की ऐसे कोई जरूरत पड़ती नहीं है। बाकी जो अपडेट्स होंगे आपको मैं टेलीएम पे शेयर कर दूँ, तो टेलीएम चाहे ज्वाइन कर रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कर लो, लिंक 100% काम करता है। एंड बात करते हैं प्ले बाय साइड जो वीडियो सबसे मेन पार्ट है, देखो ये मैच तो मैं कवर कर ही रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो मैं देखूँगा, ये वुमेन मैच भी देख लूँगा, लेकिन जो ये वाला मैच है ये भी सही है, ये एकदम मतलब हेड टू हेड मैच, एकदम हेड टू हेड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच आएगा। तो 7 बजे ये वाला मैच जो उसे कवर करूँगा, उसके अलावा तो कल ये सीधा मैचेस अच्छे वो भी सेमीफाइनल के हैं वुमेंस के। तो चलो इस मैच पर फोकस करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ओवरऑल तो इस बात कर विकेट कीपर से, उससे पहले तो वीडियो को जूस लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर बिल्कुल सब्सक्राइब कर, आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो सब्सक्राइब उसे कर लेना और वीडियो को जूस लाइक कर देना। बात कर विकेट कीपर से, देखो फटाफट से टीम क्रिएट करेंगे जो अच्छे है उन्हीं को हम पिक करेंगे और आपको एक लॉजिकली टीम क्रिएट करके आपको देंगे। बात कर विकेट कीपर से, देखो थोड़ा सा लॉजिकली टीम क्रिएट, T20 मैच है वो भी इमरजिंग का मैच है तो थोड़ा सा रिस्की जा सकता है, लेकिन ग्रैलिक वगैरह जो उसे टारगेट करें, स्मॉल लीग टीम में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जिसन अली एक अच्छा ऑप्शन है, अकबर अली के साथ भी जा सकते हो टीम तरफ से, सेकंड अच्छा पिक हो सकता है, पर भी उसे उतना सही प्लेयर है, टैलेंटेड भी है लेकिन उतना देर तक टिकता नहीं है। लेकिन मैं फिलहाल जिसन अली, क्योंकि भले थोड़ा सा फॉर्म खराब है, प्लेयर तगड़ा है टीम तरफ से, आजकल तो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी भी है। आजकल हरिडो है तो वो इंटरनेशनल मैच से पिक किया, पिक कर लो। निजकत खान अच्छा मैच प्लेयर है टीम तरफ से, एस हुसैन ठीक है, बाबर या अंशुमन राठ नेम से मैं प्रेफर करूंगा। आप पटवारी के जगह पे आप नेम से के साथ जा सकते हो, क्यों, नेम से एक पावर हिटर बंदा आपको मिलता है प्लस ओपनर भी मिल रहा है तो एक अच्छा पिक हो सकता है। अंशुमन राठ एक इनफॉर्म प्लेयर है, जल्दीबाजी नहीं करता और आराम से खेलना पसंद करता है। तो ये जो थर्ड प्लेयर है आप पटवारी के साथ चले जाइए या फिर टीम में, दोनों ही अवेलेबल टीम से, पटवारी या फिर किसी के साथ भी जा सकते हो। थोड़ा सा देखो पटवारी के चांसेस ज़्यादा चले क्योंकि फोर ना बैटिंग करेगा और ये बंदा ओपनिंग करेगा, बट प्लेयर पटा नेम से को मैं मानता हूँ, नेम से पावर हीटर बनना है। हालांकि पटवारी के साथ जाओ तो थोड़ा सा सेफ टीम हो जाए, बट ग्रैली टीम है आप इन तीन पे ट्राई कर लेना, अंशुमन राठ और नईम से की दो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। उसके अलावा मार्टिन जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं लेकिन अब आजकल ओपनिंग भी नहीं कर रहे तो साइड रखते हैं।
उसके अलावा एस हसन जो कि अवेलेबल टीम में से एक अच्छा पिक हो सकता है टीम में से, सैफ हसन फिर बैटिंग भी कर रहे हैं बॉलिंग भी, तो क्या ही चाहिए भाई। उसके अलावा रहमान जो कि अवेलेबल है, अजीज अवेलेबल, नसुल्ला राना को पिक कर सकते हो अगर चाहो कि अच्छा फॉर्म में चल रहा है। उसके अलावा आयुष शुक्ला का नाम नहीं था इसलिए मैं भी चौंक गया था, ठीक है ये खेल सकते हैं यहाँ पे, वोरा वोरा खेल सकता है टीम से, दरअसल वोरा अवेलेबल है अभी के लिए। ईशान खान, अंश खान और मंडल अवेलेबल क्या, नहीं हसन अवेलेबल होगा, मंडल हाँ रिपोर्ट मंडल भी है, हसन भी है, दोनों अवेलेबल है, दोनों ही अवेलेबल टीम से, आप किसी के साथ भी जा सकते हो। आर हसन भी अच्छा है, मंडल भी ठीक है, हसन काफ़ी मैचेस हम लोगों ने पिक कर रखे। नीचे देखोगे तो अंश खान को पिक करना, देखो प्लेयर अच्छा बॉलिंग कर लेते इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा टीम दस, अंश खान अच्छा बॉलिंग कर लेता है लेकिन लास्ट दो तीन मैचेस से बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया है, दो दो बार सी बॉलिंग किया है इसलिए लोग इनको ड्रॉप कर रहे हैं, बट क्या है कि एक टाइम पर बहुत अच्छी बॉलिंग किया करता था। रिपोर्ट मंडल अभी के लिए आर हसन के साथ जा रहे, नीचे कोई खास वैसे नहीं है। नूर अहमद, नूर अहमद है क्या, नहीं है नूर अहमद है तो पिक कर ले, तो वो छोड़ो वो तो अफगानिस्तान के भी अभी क्या बोल रहे हो। अभी के लिए रिपोर्ट यहाँ पे मंडल या फिर अंश खान, अंश खान मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं लेकिन मैं मंडल के साथ जा रहा हूँ, बट लास्ट दो तीन मैचेस से सिर्फ खराब गए हैं अंश खान, कितना याद रखना, अंश खान बहुत अच्छा बॉलर है। अभी के लिए ओवरऑल मेरी इस प्रकार की टीम बनी है जो कि परफेक्ट है। अब देखो इस टीम में मैं शायद ही रिस्क लिया हो, मैं अगर चाहता रिस्क तो नीम से एक को पिक कर लेता, पहला रिस्क ये मेरा होता, दूसरा मैं अपनी टीम अंश खान के साथ चला जाता, ये दो कॉम्बिनेशन आप करेंगे ट्राई चूज कीजिएगा। कैप्टन से बात करें तो मैं एज ए कैप्टन दो फिर नया बैटिंग प्लस बॉलिंग मिल रहा है, और ये सब मुतुजा भी सही है वाइस कैप्टन के लिए क्योंकि मतलब वो पहली बात इस मुतुजा से आप बॉलिंग से ही होप किया करो, एक बहुत लोग होते हैं ना कि बैटिंग मैं मानता हूँ इसको बैटिंग करना आता है ठीक ठाक लेकिन उतना अच्छा नहीं आता है, इतना याद रख लेना, बॉलिंग बहुत अच्छा आपको करके दे देगा ये मुतुजा, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों पॉइंट चाहिए जिसका किस्मत बस खराब चल रहा है उसका नाम अजीज खान है, ये बंदा आपको बैटिंग भी करके देगा बॉलिंग भी करके देगा, बस किस्मत खराब चल रहा है कि पॉइंट्स नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, कोई चार ओवर बॉलिंग भी करेगा प्लस फोर ओवर बैटिंग भी करेगा तो क्या ही, इससे अच्छा ऑप्शन है भी कोई सीबीसी के लिए, लेकिन लोग ट्राई क्या आप ग्रैंड टीम को ट्राई करिएगा, अजीज खान को, ईशान खान को, यही दोनों तरह बॉलिंग करते थे काफ़ी अच्छे हो सकते हैं ईशान खान। अगर आयुष शुक्ला खेले तो आयुष शुक्ला को पिक कर सकते हो रिपोर्ट मंडल की जगह पे, देखेंगे अभी के लिए ऐसे मुतोज के साथ जाते क्योंकि बंदा बॉलिंग अच्छा करता है। सेम डे कुंडल बुक कर दो, सेम डी वैसे कर एक सेकेंड सेम टीम इन्वेस्ट करने जा सकते हो, ठीक है सेम टीम के साथ है, वो टीम परफेक्ट है एकदम परफेक्ट, लेकिन रिस्क इसमें लगता नहीं है, 0% रिस्क मुझे लग रहा है क्योंकि एकदम सेफर टीम क्रिकेट है ये, एक तरह से देखा जाए सिलेक्शन में से बन गया जो कि मुझे सही नहीं लग रहा। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत है तो मैं जो टीम देता हूँ उसको आप विनिंग रैली ग्रैली में यूज़ कर लेना है, ग्रैली की टीम देता हूँ, ये मेरी सिर्फ और सिर्फ स्मॉल की टीम है जिसके साथ आप जाकर कॉन्टेस्ट बुक कर सकते हो, थोड़ा सा आपको ग्रैली की तरफ लेके चलता हूँ जिससे आप ग्रैली में यूज़ कर सकते हो उस वाले की टीम को क्रिएट करके देता हूँ। यह से जिस ने लिया आप दूसरी तीसरी ग्रैलिटी बता उस आप ग्रैली ट्राई कर लेना, ठीक है। उसके अलावा इधर से हरिडे पावर हिटर जगत खान अंशुमान राठ नहीं से एक अच्छे पिक हो सकते हैं, दो तीन ग्रैली टीम दे देता हूँ, नहीं पहले एक सेफर टीम देता हूँ आपको जो कि आप मीनिंग ग्रैली में यूज़ कर सकते हो। हुसैन रुको पटवारी जब नेम से एक अजीज खान रैपी को साइड रखते हैं, उसके अलावा रिपोर्ट मंडल अब इलेवन तक इसको पे यहाँ पे रैबी के साथ एम रहमान अवेलेबल है ना, रैबी अवेलेबल टीम से तो पिक कर सकते हो, बट मैं अपनी टीम अकबर अली को भी ले सकता हूँ, अंश खान भी अवेलेबल है, अली हाशन भी इस बार अवेलेबल है, रुक जाओ थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, अंशुमान राठ के साथ जाते हैं। तो देखो इस प्रकार की मेरी एक मीनिंग रैली की टीम क्रिएट हुआ है, नहीं अभी एक और मीनिंग रैली तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते रैबी के साथ जाते, ठीक है ये मतलब इस तरीके से मैं चाहता था स्मॉली में यूज़ करना इस तरीके का, कैप्टन में सैफ वाइस कैप्टन अजीज, तो ये टीम आपको रिस्क लेने वाले यूज़ कर सकते किस में ग्रैली में या फिर बोले स्मॉली में भी ले सकते ये टीम। अगर आप यहाँ पे एक और इसलिए तो अंश खान को ट्राई कर सकते रिपोन की जगह पे, समझे, तो ये मेरी दूसरी ग्रैली टीम बन गई जो कि आप खुद से देख सकते मेरी ग्रैली टीम बन गई, मिनी ग्रैली कह सकते इसे ग्रैली तो नहीं कहेंगे इसको, और मैं स्मॉली में यूज़ करना चाहता था इसको, समझ गए। अब एक और इसकी टीम आपको देते हैं फटाफट से टीम क्रिएट करेंगे, पटवारी अंशुमान पटवारी साइड रखता है नीम से नहीं नहीं अंशुमान राठ बाबर याद को पिक कर लेते फोर ना बैटिंग कर दिया, हालांकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है पर प्ले बहुत इन फॉर्म है। उसके अलावा ये सब इधर से अंश खान रिपोर्ट ठीक है, कैप्टन में सैफ हसन ग्रैली टीम है, मैं अपनी टीम में जाना चाहूँगा निजकत खान कैप्टन, उसके नेम से के साथ हॉलीडे के साथ जाओ, तो ये मेरी ग्रैली टीम बन गई, हॉलीडे बहुत इनफॉर्म प्लेयर भी नहीं है लेकिन ठीक है, तो ये मेरी ग्रैली टीम बन गई, ठीक है ये मेरी ग्रैली टीम बन गई जिसके साथ ग्रैली खेल सकते हो, ये मेरी मिनी ग्रैली की टीम बन गई जिसके साथ आप मिनी ग्रैली खेल सकते हो,
आप खुद देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी टीम का। और ये मेरी स्मॉल टीम एकदम सेफर टीम बनी है। एक दो रिस्क लोगे, जैसे नईम सईद को लेगा तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा, वाइस कैप्टन अजीज खान को करोगे तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा। तो सभी टीम के स्क्रीनशॉट ले लो और उस हिसाब से क्वांटस बुक कर दो। मैं मिलता फाइट स्टेट लिए, कोई डाउट हो नीचे कमेंट करना, ठीक है? कोई भी डाउट हो जो उसे कमेंट करना।